हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हमारे तरफ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, पूरे 3 दिन से बारिश हो रही है लगातार कंटिन्यू। तो देखिए आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। राजवीर को ट्यूशन से लेकर के आई हूँ। तो उसका फ्रेंड्स आज हैप्पी वाला बर्थडे है, तो केक मंगा नहीं सकी तो मैं सामने के मार्केट से ही बर्बन बिस्कुट ले आई हूँ और आज इसी का केक बनाऊँगी। तो पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद हम लोग केक बनाएंगे। तो बारिश की मौसम इतना था कि बाबू को हम ट्यूशन से लेकर के आए तो चाय पीने का मन किया, चाय पी ली हूँ। और अब देखिए बिस्कुट को हम मिक्सर जार में ग्राइंड कर लिए हैं, पूरा फाइन पेस्ट, पूरा फाइन पाउडर बना लिए हैं और इसको हम एक बॉल में ट्रांसफ़र करेंगे। और एक कप पानी लिए हैं फ्रेंड्स, चाय जो पिए हैं उसी कप से एक कप पानी लिए हैं और सिर्फ हम पानी से इसका घोल तैयार करेंगे और इसी से हम केक बनाएंगे। तो देखिए मेरा पूरा एक कप पानी लग गया है, थोड़ा सा बचा था उसमें हम एक चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे, खाने वाला सोडा, और उसी को सिर्फ मिलाएंगे और अच्छी सी इसी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से पोरिंग हो रही है। और 2 बूंद हम यहाँ पे वेनिला एसेंस को डाल दिए हैं ताकि केक का जो स्वाद है, खुशबू है, बिल्कुल केक की तरह आए। और इधर हम केक टिन ले लिए, उसमें हम तेल को प्रेस कर देंगे ताकि हमारा केक इसमें चिपके ना, क्योंकि अभी हमारे यहाँ बस इतना ही सामग्री था, इसी से हम केक बनाने वाले हैं। तो गैस पर हम पहले तवा, लोहे का तवा है, उसको हम गर्म होने के लिए रख दिए हैं, प्री हीट कर लेंगे। और देखिए इस तरह से हमारी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए केक के बेटर की। और अब हम इसको केक टिन में डाल दे रहे हैं, इसको अच्छे से टैपिंग कर लेंगे। देखिए टैपिंग कर लिए हैं, उसके बाद अब हम फ्राई पैन डाल देंगे ऊपर से, तवा के ऊपर में, और उसके ऊपर में हम केक टिन को रखेंगे और ऊपर से कवर कर देंगे। और 20 मिनट के बाद हमारा केक बनके तैयार हो जाएगा। तो देखा ना हमने कितना सिंपल वे में हमने केक को प्रिपेयर किया है, और देखिए बहुत ही स्पंजी केक बन करके तैयार भी होगा। तो देखिए 20 मिनट हो चुकी है फ्रेंड्स, और केक को हम चाकू की हेल्प से देख सकते हैं कि कच्चा है या पक गया है। तो देखिए चाकू पूरा अच्छे से क्लीन निकला हुआ है, केक हमारी पूरी तरह से बेक हो चुकी है। और इसको हम निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा हो जाने के बाद हम आपको केक निकाल करके दिखाएंगे। देखिए केक ठंडा हो गया है, जब तक मैं तैयार हो रही थी बर्थडे के लिए तब तक ये केक हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है। और अब मैं इसको देखिए कितना इजी वे में ये निकल जा रहा है, बहुत ही इजी में, तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम सामग्री से हमने इस केक को तैयार किया है। लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार वाली केक बन के तैयार हुई है। आप एक बार इस तरह से केक ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो केक देखिए बहुत ही स्पंजी है, बहुत ही टेम्पटिंग दिख रहा है दिखने में भी, और होगी क्यों नहीं, क्योंकि ये मैंने बर्थडे वाला केक बनाया है अपने डुगू के लिए। तो देखिए चलिए इसको हम चॉकलेट सिरप से थोड़ा सा अच्छे से सजा देते हैं। ज़्यादा कुछ मैं डेकोर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि अभी मौसम ही अलग है, लेकिन केक तो हमारा बहुत ही मज़ेदार वाला बना है, इससे मुझे बहुत ही खुशी मिल रही है। तो बस ऊपर से मैं बर्बन बिस्कुट को ही रख दे रही हूँ, कुछ ज़्यादा डेकोर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ही सिंपल वे में ही आज बर्थडे सेलिब्रेट करना है अपने डुगू का। तो चलिए हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं अपने डुगू के लिए। डुगू हाय बेटा, हाय, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। तो आज मेरे डुगू का बर्थडे है फ्रेंड्स, लेकिन इसी स्थिति हो गई है और इसी परिस्थिति की घर में सिर्फ हम दोनों माँ बेटा ही हैं। मेरे हबीब, मेरे बाबूजी का तबीयत खराब हो गया है, नहीं मेरे ससुर जी का, तो इसलिए वो वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट करवाने के लिए गए हुए हैं जामताड़ा। और मैं हूँ और मेरा बेटा डुगू सिर्फ है। मुस्कान भी अपने स्कूल में है, मतलब हॉस्टल में है। रोहित भी हॉस्टल में है, माथा उठाइए ना बेटा। तो अभी मैं और सिर्फ डुगू हूँ, और हमारी तरफ इतनी बारिश हो रही है कि नोटी भाई हमारी तरफ इतनी बारिश हो रही है कि हम किसी को बुला भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा बारिश आज 3 दिन से हो रही है। तो देखिए हम मार्केट से मैं केक भी नहीं मंगा पाई, तो जिस कारण मैंने घर पे ही केक का सामान बना दिया, सामान थोड़ा सा बिस्किट सामने के किराने से मंगा ली हूँ और इसी से मैं केक बना दी हूँ। तो चलिए सेलिब्रेट करते हैं राजवीर का बर्थडे, हैप्पी वाला बर्थडे। यूट्यूब फैमिली सेलिब्रेट परफेक्ट साइज में, क्या करेगा अपना दोस्त को सुखना लेकर आते हैं। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना फोटो मेरे ना यूट्यूब फैमिली, यूट्यूब फैमिली किस काम आएगी, यूट्यूब फैमिली किस काम आएगी, यूट्यूब फैमिली इसको बुलाएगा, वो रहता बुलाऊंगी।
बुलाऊंगी बुलाऊंगा हाँ बुलाऊंगा नहीं मन कर रहा अपने लिए अपने आजकल की फोटो ले लेता हूँ नहीं तुम्हें लेना ले ले रहा हूँ बस थोड़ा इधर देखो हाय बैठने पर ही दिखे सबसे पास टेक लेना पड़ा मेरे को अच्छा अपने से ही फोटो खींच रहा है दीदी तो उसको पुराना फोन किसका मांगा मेरे लिए चलो दीदी नहीं है दीदी का फोन यहाँ पे है पुराना वाला उससे अपना वीडियो ले रहा है यादगार के लिए तो फ्रेंड्स प्लीज करो तो इसका मैं आरती कर देती हूँ अच्छा ऐसे कैसे छोड़ूंगी मैं इसका हैप्पी वाला बर्थडे चल हाथ में माथा रख माथा में हाथ रखो अरे इधर बाल कैसे तरफ उठाओ बाल मतलब उठा ना तो नहीं झुकाते हो वो रुक जा रुक जा दीजिए बुद्धि दीजिए ज्ञान दीजिए लड्डू को चॉकलेट सभी पीना खाना है चॉकलेट सभी लेना मेरे को और टेक का चॉकलेट सिरप अरे यहाँ पे देखना मेरे को सामने करने दो रुको ऐसे रखो चलो उठो उठूंगा नहीं बैठ के काटूंगा बैठ के क्रीम कटिए मैं कुछ खाता हूँ बैठे लेना यूज कर लो बोल लिया हैप्पी बर्थडे टू आराम से देखते हैं आराम से कट रहे ना के पूरा सॉफ्ट सॉफ्ट बना है पूरा सॉफ्ट सॉफ्ट बना है क्रीम भी लगा रुको रुको एक मिनट देखिए फ्रेंड्स एक केक बहुत ही स्पंजी बना हुआ है अभी रुको जुटाने करना करने सबको भी देना है ना अभी रुको क्रीम तो फ्रेंड्स देखिए एक केक कितना ही प्रीटी बहुत ही स्पंजी बना हुआ है तो ये वाला केक मैं सबसे पहले गणेशा को टेस्ट करा खाती हूँ ठीक है नहीं अभी नहीं रुको दूसरा बैठ तुमको दूंगा वेट करो कोई नहीं है तो सबसे पहले गणेशा को जा रहा है ये केक तो देखिए केक बहुत देवो देवो गणपति देवो तुमसे बड़े कर को स्वामी तुमसे बड़े कर को साथ में चॉकलेट के साथ में खाना है केक देखिए अरे ये जाएगा डुगू के मुंह में हार्ट में तो नहीं मैं खिलाऊंगी ना हाँ। नहीं फिर तो फ्रेंड्स बच्चों के बिना तो अच्छा नहीं लग रहा लेकिन क्या करूं ये मेरे डुगू महाराज का बर्थडे है इसे छोड़ तो सकती थी नहीं और अब ये केक में आने के मम्मी की काटो मैं नहीं करूंगी एक तो बहुत ही सुपर डुपर हिट बना है फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा बहुत ही स्पॉन्जी और ये मेरा डुडू का बर्थडे इस साल कुछ इस तरह से ही सेलिब्रेट हुआ आप सभी को सभी फैमिली मिलेंगे तब अच्छे से फिर से मनाएंगे हो सकता है 25 को हो सकता है कभी कभी भी सबको जब फैमिली मिलेंगे तब जा करके कुछ सेलिब्रेट जरूर करेंगे तो ये डुडू का और मेरे सारे फैमिली लोग केक का टेस्ट कीजिए डुगू का बर्थडे का केक खाइए और आप सब भी तो ये छोटी सी ब्लॉग मैंने अपने राजवीर के लिए बनाया है बनाई हूँ क्योंकि बहुत ही स्पेशल डेज है मेरे लिए क्योंकि आज के दिन ये मेरे गोदी में आया हुआ था आप देखिए कितना बड़ा हो गया है तो केक तो बनाना बनता था ही और सेलिब्रेट तो छोटी सी से ही लेकिन केक कट तो जरूरी करना था मुझे तो इसलिए मैंने घर पर ही केक को बनाया जरूर टेस्ट कीजिए और इस ब्लॉग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि मेरा नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो राजवीर का मन तो भरा नहीं है केक का, अभी और खाने के लिए छटपटा रहा है, तो इसको अभी मैं फिर से खिला दे रही हूं। अब देखिए बिस्किट के साथ मिल जाएगा, और ये जो बिस्किट है बर्बन बिस्किट है, इसी से मैं आज एक केक बनाई हूँ, तो आपने तो पहले देखा ही होगा। तो इसको अभी मैं देखिए कितना भी इसको मन कर रहा है केक खाने का। केक इतना सॉफ्ट बना फ्रेंड्स, पता नहीं कैसे आज बन गया, पता नहीं भगवान की भी कृपा थी कि बारिश हो रही थी, मैं तो कहीं जा नहीं सकती हूँ, पहले चबा लीजिए ना बेटा, मैं तो कहीं जा नहीं सकती हूँ, घर में ऐसे कोई मतलब कि पता है नहीं कि कुछ इंतजाम हो पाए, और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, मैं भी जा नहीं सकती थी, तो इसलिए मैंने घर पर ही केक को बनाया है। और एक बहुत टेस्टी, इतना टेस्टी कि जीभ में पानी आ रहा है बहुत ज़्यादा मेरा भी। और इसको देखिए तुरंत से भरा, तुरंत खा रहा, इतना सारा केक हम दोनों माँ बेटा ही कट करने वाले हैं। तो केक देखिए बहुत ही स्पंजी बना हुआ, बहुत ही स्पंजी, तो फ्रेंड्स मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय एंड टेक केयर। डायरेक्ट विश्वकर्मा पूजा में मिलते हैं, तो कल ही तो है विश्वकर्मा पूजा, आज है 16 सितंबर और कल है 17 सितंबर, और परसों में एग्जाम, और एग्जाम भी चल रहा है अभी, तो ऐसे ही कौन सा ग्रह में अब। तो केक कट करने के बाद हमने कुछ रील्स बनाए जो इस तरह से है, और ये ब्लॉग आपको कैसी लगी बताएगा जरूर। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक मेरे चैनल में बने रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आपके फोन पर सबसे पहले पहुंचे। तो मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक एंजॉय करें मेरा राजवीर का बर्थडे, और इस तरह से केक एक बार जरूर बना के आप ट्राई करें, बहुत ही स्पंजी।